इस पकोड़े की रेसिपी देखने के बाद आप इसके दीवाने हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। खिले खिले से एकदम कुरकुरे करारे से पकोड़े तैयार हैं यहाँ पे, किस चीज का है आइए जानते हैं। यहाँ तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल अंजलि मिक्स रेसिपी में। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो ताजे फ्रेश केले लिए हुए हैं, वो भी कच्चा केला है ये, और केले देख के भी आपको लगता होगा बहुत ही ताजा है। तो इस केले को तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें केले को काटना होगा। तो इस पकौड़े को आप एक अलग तरीके से व्रत के लिए भी बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने केला तोड़ लिया है और इसे मैंने पहले ही धुल के साफ कर लिया था, और पानी इसका निकल भी मतलब मैंने पोंछ लिया इसे कपड़े से। अब इसके हम छिलके निकालेंगे। इसके छिलके हमेशा चाकू से ही निकलते हैं। इस तरीके से हमें केले को छील लेना है। तो फ्रेंड्स रेसिपी बनाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे शानदार सा हमने केले को छील लिया है, आप खुद भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारे केले हमने अच्छे से छील लिया है और इस पकौड़े को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। बच्चों के लिए नाश्ते में इसे बना सकते हैं, मिर्ची कम रखेंगे तो बच्चे भी बहुत इंजॉय से खाएंगे। तो यहाँ पे छीलने के बाद केले को हमने ले लिया है। अब हमने लिया है मीडियम साइज के कद्दूकस। तो कद्दूकस के लिए कोई भी कद्दूकस ले सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन लेना तो है मीडियम साइज का, क्योंकि इसके जो लच्छे निकलेंगे वो दिखने चाहिए, बड़े वाले कद्दूकस चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसे कद्दूकस करेंगे। आपको दिखा देते हैं इसके लच्छे कितने बड़े बड़े से निकले हैं। तो देखिए यहाँ पे केले को हमने कद्दूकस कर लिया है फ्रेंड्स, और करने के बाद कद्दूकस केला एकदम सा डार्क सा हो गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, केला ऐसा ही हो जाता है काट के रखने पे। तो अभी इसे हम साइड में रख देते हैं। आइए चलते हैं आगे। तो यह एक थाली लिया है जिसमें हमने कटा हुआ चार प्याज लिया है, छोटे छोटे मतलब मीडियम साइज के चार प्याज थे जिसे हमने सिंपल तरीके से काट लिया है, और उसे हाथों से इतना मैश करेंगे, इतना मलेंगे कि प्याज की कलियां जो हैं खिल जाएं और प्याज की सारी कलियां अलग अलग हो जाएं, ताकि हमारे पकौड़ों का लुक अच्छा आ सके। तो यहाँ पर देखिए मैं हाथों से इसे मसल रही हूँ। बहुत ही शानदार पकौड़े हैं ये, और अपने घर में आप भी जरूर ट्राई करिएगा और अपने मम्मी पापा घर आए मेहमानों को चाय के साथ एंजॉय कराइएगा। तो जो जो प्याज नहीं कटा है उसे हम पलटे की मदद से इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके काट लेंगे, और कुछ इसमें नहीं करना है फ्रेंड्स। बाकी हमने इसे हाथों से मसला है तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं सारी कलियां खिल गई हैं। अब कद्दूकस किया हुआ केला जो है इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आप अगर व्रत के लिए बनाते हैं तो सिर्फ केले का बनाएंगे बहुत ही अच्छा बनेगा। थोड़ा सा राजगढ़ी के आटे डाल के और हरी मिर्ची धनिया डाल के, अब ऊपर से हमने कटा हरा फ्रेश धनिया डाला है बहुत सारा, आपके पास हो तो डालो, नहीं हो तो स्किप कर दे। साथ ही साथ बारीक कटी दो तीन हरी मिर्ची और यहाँ पे मैंने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, ये रेडीमेड है अदरक लहसुन का पेस्ट, और साबुत जीरा आधा चम्मच के करीब, इसे अच्छे से मसल लिया। साथ ही साथ इसमें अजवाइन भी आप देख सकते हैं बहुत बारीकी से, इसमें जीरा अजवाइन दोनों है, दोनों को हम मिक्स करके डालते हैं। और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ मैं, कम ज्यादा आप रख सकते हैं, हो सके तो जितना कम हो सके उतना नमक इसमें कम ही डालें, उभर के आता है। हल्दी पाउडर एक चम्मच, सब्जी मसाला मैंने डाला है टेस्ट के लिए, आपको इसका टेस्ट पसंद हो तो डालें नहीं तो नहीं। तो सभी चीजों को हमने डाल लिया है, अब हम किसी भी चीज को इसमें ऐड नहीं करेंगे, अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने से पहले बाइंड के लिए हम ऐड कर रहे हैं इसमें बेसन। बेसन हमने एक छोटी कटोरी से कटोरी लिया है। तो आइए चलते हैं इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करने।
मैं थोड़ा सा अपने बेबी के लिए निकालूंगी, इस वजह से मैं मिर्ची साइड में रखी हूँ। तो थोड़ा सा निकाल के फिर हम सारी मिर्ची को इसमें मिक्स कर देंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से सभी को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको ज्यादा बाइंड करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे से बॉल्स तोड़ने हैं, जैसे प्याज दिखने चाहिए इसके अंदर। और उसके बाद हाथों में से मुट्ठा बांध के इस तरह से ले लेके सेप बना के रखने हैं पकौड़े के। गैस के पास चलते हैं, ऑयल डाल के हमने पहले से गर्म कर रखा था, जिसमें हम फटाफट से पकौड़े को डाल देना है। एक बैच में 8 से 10 पकौड़े हम ऐड कर रहे हैं, और इसे हमें लो फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे तो ये कुरकुरे क्रिस्पी होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पकौड़े हमेशा हाई फ्लेम पे फ्राई होते हैं। तो गैस का फ्लेम हाई है, और देखिए यहाँ पे जैसे वन साइड में थोड़े से पकौड़े थक जाएंगे उसे हम पलट लेंगे। यहाँ पे हमने इसे इस तरीके से पलट लिया है। तो गैस का फ्लेम हमने हाई ही रखा है और इसे हमने फ्राई कर लिया है। तो कैसी लगी? तो फ्रेंड्स, अब हमारे पकौड़े पूरी तरह से फ्राई हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि इसमें जो प्याज हमने मसल के डाला है वो इस तरह से दिखेगा। तो इस वजह से प्याज को, तो आइए फटाफट से इसे हम निकाल लेते हैं। सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और अभी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने फर्स्ट वाले बैच को फ्राई किया था, इसी तरीके से हम सारे बैचेस को फ्राई करेंगे और सभी को इकट्ठा निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हम इसी तरह से जा रहे हैं दूसरा बैच डालने। देखिए हम इसे फ्राई करके निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो जहाँ तक मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, मैंने कुछ रीजन वाइज अपने चैनल का नाम चेंज किया था अंजलि कुकिंग, तो अभी वापस से मैंने अंजलि मिक्स रेसिपी कर दिया है। तो आप सभी को पसंद आए तो अच्छा है, और वैसे तो मुझे अंजलि मिक्स रेसिपी ही पसंद था। तो यहाँ पे देखिए पकौड़े जो हैं, ये भी वाला बैच जो है फ्राई हो रहा है। तो हमने मतलब एक साथ 8 से 10 12 पकौड़े डाले हैं, और गैस का फ्लेम हाई रखा है। तो इसे भी फ्राई करके निकाल लेते हैं। साथ में आप कोई सी भी चटनी ले सकते हैं, या फिर चाय के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये चाय के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में निकाल लिया है, एकदम कुरकुरा वाला पकौड़े तैयार है केले का। तो क्या आपको देख के लग रहा है कि कच्चे केले के पकौड़े हैं? तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप सभी से मिलती हूँ एक न्यू वीडियो, एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, और मेरे न्यू न्यू वीडियो का इंतजार करें, और उसे हो सके तो फुल वॉच करें। तो मिलती हूँ न्यू वीडियो, न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।